बढ़ेंगे आगे। एक राज्य का मंत्री और ड्रग रैकेट के आरोप। जी हाँ, ये हकीकत है। पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया से ईडी ने पूछताछ की है। पूछताछ जालंधर में हुई है। उन पर 6,000 करोड़ के ड्रग रैकेट का आरोप है। ड्रग रैकेट का खुलासा तब हुआ जब फतेहगढ़ साहिब के पुलिस ने 2013 में अनूप सिंह कहलो नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। कहलो से पूछताछ हुई और जांच आगे बढ़ी तो मजीठिया का नाम सामने आया। इसके बाद ईडी ने मजीठिया को समन भेज दिया। ईडी ने पंजाब के राजस्व मंत्री से उनके बैंक खातों के डिटेल और लेन देन का पूरा ब्यौरा भी मांगा था। इस मामले में बर्खास्त किए गए डीएसपी और एक दवा कंपनी के मालिक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्व मंत्री विक्रम मजीठिया से जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय की में पूछताछ चल रही है। वहां से इस मुद्दे पर जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सतेंद्र चौहान। 6,000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट मामले में पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया, जो कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल के साले हैं, उनको ईडी ने पूछताछ के लिए जालंधर के इस ऑफिस में बुलाया हुआ है। सही 10:20 पर सुबह विक्रम मजीठिया यहाँ पर पहुँच गए थे। जाहिर सी बात है, लंबी फेहरिस्त है सवालों की। एक ड्रग पेडलर, ड्रग तस्कर जगदीश भोला और बिट्टू औलख ने विक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया था और बताया था कि उनके संपर्क में थे, उनसे कई तरह की मदद भी लेते थे। एक तरफ इस मामले का कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। पंजाब विधानसभा में इस मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया था, हालांकि ये मोशन चल नहीं पाया था। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं राजनीतिकरण किस तरीके से हो रहा है। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अभी विक्रम मजीठिया का पुतला फूंका है, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ ईडी विक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ कर रहा है तो दूसरी तरफ इस मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो गई है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, जालंधर, आज तक।